गुड इवनिंग गाइस। तो शाम का 5:30 बज गए हैं और अभी हमें एक वैसे घर निकलना चाहिए था, बट घर ना निकल के हम जा रहे हैं शादी में। दोस्त की शादी है पलवल, रोहित भाई की, साथ में हमारे प्रमोद। और सबसे पहले हम दूल्हे के पास पहुँचे और दूल्हे के साथ पास पहुँच के सबसे पहले फ़ोटो क्लिक किया, और फिर शादी में हमने जो ठेली वगैरह थी उसके साथ में कुछ देर अपना टाइम बिताया, और वहाँ पे डांस वांस जो लोग कर रहे थे उनको देखा, और फिर पहुँच कर गार्डन में जहाँ पे हमारी शादी का सारा अरेंजमेंट हुआ था, और उसको सारी तरफ देखा और खाया पिया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। फिर देखा डांस वगैरह, जो अंकल लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, ये देखिए काफ़ी सारे अंकल डांस कर रहे हैं। साथ में कुछ एक अलग साइड में कुछ लेडीज़ और कुछ जेंट्स दोनों मिक्स डांस कर रहे हैं। फुल एंजॉय हो रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छी शादी रही थी ये। और ये देखिए अभी यहाँ पे जो भाई का जो एक नए फेस में एंटर होने के लिए जो भी कार्यक्रम एक्टिविटी होती है वो उसको पंडित जी पूरा कर रहे हैं, और जो भी मंत्र वगैरह हैं वो पढ़ रहे हैं। और हमने भी फिर दोस्त को बधाइयाँ दी और उनको एक नए जीवन की भाई शुभकामनाएं दोस्त दी। से बोलते हैं भाई, और फिर निकलते हैं घर को दोनों भाई। टाइम हो गया 11:30 बजे का, और दोस्त के पास पहुंच करके हाथ पकड़ा मिलाते हैं और बोलते हैं कि हमें अब विदा करने का टाइम आ गया है, हमें जाना है दिल्ली, काफ़ी टाइम लगेगा हमें पहुंचने में। तो भाई बोलते हैं नहीं, अभी शादी वादी देख के जाना। फिर हम रुक जाते हैं और फिर हम गाड़ी वाड़ी देखने लग जाते हैं। तो भाई की जो शादी में मिलने वाली स्विफ्ट व्हाइट कलर की गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी दिख रही थी, काफ़ी शानदार है। और फिर इतने टाइम में ही भाभी वगैरह आ जाती हैं उनकी सहेलियों के साथ में, और फिर वो डांस वगैरह करने लग जाती हैं, जैसे एक बिदाई का एक वो होता है। फिर इतने टाइम में कैमरामैन भाभी के पास पहुंचता है, और कैमरामैन अपनी जो मोमेंट कैप्चर करने के लिए वो भाई को बुलाता है, और फिर भाई इतने देर में तैयार होकर के अपने पूरे भेष में, बोले तो राजाओं वाले सीन में पहुंच जाते हैं भाई भाई भाभी के पास। और कुछ पैसों से वो जो हम नए फ्रेश करेंसी लेके गए थे उन पैसों को वो भाभी की तरफ घुमाते हैं, सलामी करते हैं। सलामी करने के बाद में वो उन पैसों को उड़ा देते हैं, बच्चे वगैरह उन पैसों को लूट लेते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू था, कैमरामैन सारे व्यू कैप्चर कर रहा था, साथ में सारे लोग उसको उनको देख रहे थे। भैया और जो भाभी थी वो दोनों की दोनों साथ में एक अच्छा जोड़ा लग रहा था वहाँ पे। उस समय जो कपल थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, उस समय वर्ल्ड का एक सबसे अच्छा मोमेंट था वो दोनों लोगों के लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया गया, काफ़ी अच्छे तरीके से उनको एक नए फेस में एंट्री दी गई, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, सारे लोग खुश थे। कैमरामैन अपनी पूरी कोशिश करता हुआ हर एक मोमेंट को कैच करते हुए, गाइड करते हुए, साथ में कैमरामैन ने एक हर एक तरीके से फिल्मी टाइप से उन्होंने जो है ना हर एक मोमेंट को कैप्चर किया अपने कैमरे में। और काफ़ी अच्छे से उन्होंने जब डेस्क उस पे जो स्टेज पे पहुंचने का टाइम आया, भाई ने हाथ बढ़ा करके भाभी को एक वीडियो बनी, और फिर उसके बाद में पहुंच गए स्टेज पे। स्टेज पे पहुंचने के बाद में जो भी कार्यक्रम था बग्गन वगैरह से सेलिब्रेट किया एक नए फेस को, और उसके बाद में काफ़ी सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर के तालियां वालियां बजाई, सारे के सारे लोग सपोर्टिव थे, सब उनकी हेल्प कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन टाइम हो चुका था भाई। तो बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद में हमने सोचा कि अभी घर चलने का टाइम हो गया, क्योंकि हमें दिल्ली पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगेगा, दूर है 85 किलोमीटर, करीब 3 घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे। और फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया था, फिर हम हो गए रेडी चलने के लिए। हमने भाई को बोला और हमने रेडी होकर के बाइक अपनी उठाई, और फिर बाइक से हम चल पड़े अपने घर के लिए। बाइक जो थी वो काफ़ी तेज़ चलाई हमने उस समय, क्योंकि रात का टाइम था, रोड खाली था, तो 70-80 70-80 हमने बाइक खूब घुमाई। 1.5 घंटे में हम पहुंच गए दिल्ली, और फिर हमने अपना बाइक उठाई अपने एटीएम से, गार्ड को बोला बाय, और अपनी बाइक उठा करके मैं पहुंच गया अपने घर पे।